पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए उपमंडल पालमपुर में 13 केंद्रों के बाहर सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी जांच होने के बाद ही युवाओं को परीक्षा हॉल में जाने दिया गया। सभी केंद्रों में पुलिस प्रशासन ने इस मर्तबा हाईटेक सिक्योरिटी का प्रबंध किया था और सभी केंद्रों के हर कमरे में मोबाइल फोन नेटवर्क को ठप करने के लिए 200 जैमर नियुक्त किए गए थे। साथ ही हर कमरे को सीसीटीवी कैमरे से भी लैस किया गया था। जिला कांगड़ा में पुलिस भर्ती लिखित परीक्षा के लिए उपमंडल पालमपुर में 13 केंद्रों के बाहर सुबह से ही भीड़ जुट गई थी। कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी जांच के बाद ही युवाओं को परीक्षा हॉल के अंदर भेजा गया। सभी केंद्रों में पुलिस प्रशासन ने इस मर्तबा हाईटेक सिक्योरिटी का प्रबंध किया था। आपको बता दें कि पहले लिखित परीक्षा परौर स्थित राधा स्वामी सत्संग परिसर में 11 अगस्त को आयोजित की गई थी। उस दौरान परीक्षार्थियों ने सारी चौकसी को धत्ता बताकर हाईटेक तरीके से नकल की थी। इस बवाद भनक पुलिस के गुप्तचर विभाग को लग गई थी और उसके बाद कई युवाओं को हवालात की सैर भी करनी पड़ी थी। साथ ही प्रदेश सरकार ने लिखित परीक्षा भी रद्द कर दी थी। पालमपुर में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। शहर के सभी प्रवेश स्थलों पर पुलिस का कड़ा पहरा था। डीएवी पालमपुर, सेंट पॉल स्कूल, कन्या पाठशाला, विला कामेलिया, विशाल रेजेंसी, कृषि विश्वविद्यालय, केएलबी कॉलेज, नेता सुभाष चंद्र नर्सिंग कॉलेज, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल, सरकारी स्कूल राजपुर के अलावा अन्य केंद्रों में भी सुबह से ही पूरी कड़ी व्यवस्था की गई थी। वहीं उत्तरी रेंज डीआईजी संतोष पटियाल का कहना है कि पुलिस परीक्षा बड़े ही शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है और कहीं भी कोई भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है तथा सुरक्षा की दृष्टि से पूरे इंतजाम किए हुए थे। वहीं जिला कांगड़ा के 265 पदों के लिए 11,545 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। बहुत पीसफुल है, बड़े ट्रांसपेरेंट और फेयर तरीके से सारी परीक्षा चली हुई है और कहीं से भी किसी की तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है और हमने इसके लिए सारे प्रिकॉशन ऑलरेडी लिए भी हैं। इवन जैमर भी इंस्टॉल हैं तो किसी तरह की भी अनफेयर मीन्स का कहीं से कोई शिकायत भी नहीं है और पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सर, जो पुराना मामला था जो उसमें कितनी गिरफ्तारियाँ हुई और कहाँ तक आपकी इन्वेस्टिगेशन? उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन बड़ी एडवांस स्टेज पर है और कुछ जो इनके किंग पिन्स हैं लोकल्स और बाहर के उन पर हम जल्दी पहुँच जाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर उसका इसके जो टोटल एक्सपेंस और क्वांटम है इस सारे फ्रॉड का और इस सारे चीटिंग वाले सारे केस का और इस सारे उसका सारा तभी खुलासा हो पाएगा और ये जल्दी हो जाएगा। सर, कितने परीक्षार्थी जो यहाँ परीक्षा दे रहे हैं और कितने परीक्षा केंद्र हैं और जिला कांगड़े के क्या पालमपुर में ही हो रहे हैं? जिला कांगड़ा के सारे पालमपुर में हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे को जितनी अकोमोडेशन चाहिए थी उतनी अवेलेबल हो पाई है और 16 टोटल सेंटर्स हैं और 11,500 के ऊपर यहाँ पे टोटल परीक्षार्थी जो है वो परीक्षा दे रहे हैं। इसी तरह से ऊना में भी केसी कॉलेज है, हमने वहाँ पे एक ही सेंटर है जिसमें 4 ब्लॉक्स में चल रहा है और चंबा में 2 सेंटर्स हैं और वहाँ पे 2 डिफरेंट लोकेशन पे पीसफुली सारा चल रहा है। ठीक है, ओके।